Hey guys, how are you all? I hope you're good. So guys, आ चुके हैं हम एक और न्यू व्लॉग के साथ और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे. तो गाइज आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ, भाई के साथ. तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए आज का पूरा दिन और आज खूब सारी मस्ती होने वाली, खूब सारी शॉपिंग होने वाली है. तो गाइज हम आप लोग को सब कुछ दिखाने वाले हैं एंड अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ. आप देख सकते हो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अभी मुझे ट्रेन में जाना है, लाइक लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है. उसके बाद मुझे वहाँ से मासी के घर जाना है, देन वहाँ से बहन को पिक करना है एंड फिर वहाँ से जाना है. तो गाइज अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है मुझे अकेले. सो या अभी मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी. सो आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी गाइज, कैसे जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, सब कुछ. तो आप लोग व्लॉग पे बने रहो, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. और गाइज ये देखो मेरा भाई, आज मैं पीसी यूज नहीं कर रही, आज मैं स्ट्रीम नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये अपना क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई. ओके, तो गाइज यहाँ पे एक लैपटॉप, एक पीसी, फोन सब लेके बैठ गया. आज पूरा पढ़ाई कर ही लेगा गाइज, एकदम आईएएस ऑफिसर बन के निकलेगा मेरे रूम से. तो चलो गाइज बाय कर दो, आई मीन हाय कर दो ब्लॉग को पहले. हेलो गाइज. सजना जी मैंनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो. सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ, उतर चुकी हूँ बेलघड़िया स्टेशन पे और यहाँ पे मेरी मासी रहती है. तो अभी मैं सबवे के अंदर हूँ, अभी मैं जाऊँगी टोटो पकड़ूंगी, उसके बाद गाइज हम जाएंगे मासी के घर. तो मैं आपको दिखाती हूँ. फिलहाल तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अभी मैं जा रही हूँ सबवे से निकलूंगी. फिलहाल क्या ही तो देख रही है भाई लड़की, इतना भी अंधेरा नहीं है, मतलब लाइटिंग तो अच्छी आ रही है भाई. तो गाइज पहली बार ऐसे, पहली बार तो नहीं, वैसे बहुत अजीब लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद ट्रैवल कर रही हूँ आफ्टर कोरोना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं. चलो हम यहाँ पर निकल रहे हैं गाइज, हम देखते हैं. थोड़ा बहुत रास्ता भी भटक चुकी हूँ मैं, आई थिंक हाँ यहाँ से नहीं जाना, मुझे वहाँ से जाना है. सो गाइज जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी दिनों के बाद ट्रैवल कर रही हूँ अकेले आफ्टर कोरोना, सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है बट हम चली जाएंगे, अभी अनाउंसमेंट भी हो रही है. तो गाइज चलो हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं. फाइनली मैं निकल रही हूँ गाइज स्टेशन से और यहाँ पर बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट कोई नहीं, मेरा फ़ोन तो वाटर प्रूफ है. तो अभी हम जाएंगे और टोटो पकड़ेंगे, उसके बाद भाई काफ़ी लोग देख रहे हैं, मतलब काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है मुझे ऐसे, काफ़ी बारिश हो रही है गाइस. तो चलो हम पहले फटाफट से टोटो पकड़ते हैं जल्दी से. फाइनली गाइस टोटो में बैठ चुकी हूँ, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, देखो आप लोग काफ़ी बारिश हो रही है, अचानक से स्टार्ट हो गई, ऐसे सुबह से हो रही थी बट अभी रुक गई, बट अभी फाइनली स्टार्ट हो गया बारिश और अभी हम पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी दूर पर एंड कोई हमारा वेट भी कर रहे हैं गाइस, हम आपको दिखाएंगे कौन वेट कर रहे हैं, आप जानते हो ऑलरेडी. सो या हम पहुँचेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे हमारा वेट करा है, फिर हम मासी के घर जाएंगे. सो आप लोग ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं. फाइनली गाइज मैं मौसी के घर आ चुकी हूँ और मौसी को पता भी नहीं है, मैंने कॉल वॉल कुछ नहीं किया ना कॉल उठाया, तो मैं उनके घर आ चुकी हूँ और देखते हैं वो क्या कर रही है. चुपचाप आते हैं गाइज, चुपचाप. हेलो हेलो मौसी, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो पूछू? तो कैसा लगा सरप्राइज बताओ? बहुत अच्छा. ये देखो गाइस, ये मेरी मौसी है, ये मेरी प्यारी सी मौसी है जो कि लग नहीं रही है मौसी है, लग रहा है मेरी दीदी, ऐसा लग रहा है ना. सब आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको. तो अभी मैं जाने वाली हूँ पूचू के साथ, हम पूचू और एक बन जाने वाला है कोई, वो कौन है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी. वैसे तो मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, लोकेशन ही भूल गया जो आने. काटो नहीं, कोई कट नहीं होने वाला, ब्लॉग अनकट ब्लॉग जाने वाला है, कोई कट नहीं होने वाला हमारे ब्लॉग में, ठीक है? ज्यादा खुद को देख रही गाइस, खुद को सुंदर दिखाने के लिए. तो क्या बनाई हो मेरे लिए तुम? हाँ क्या बनाई हो? अरे बखान तुम्हारे लिए कुछ लाए दीदी, रुको एक सेकंड, एक सेकंड. क्या लाई मेरे लिए? तुम अपने एक्साइटमेंट, ये अपने एक्साइटमेंट में कि मैं कैसे दिख रही हूँ, तुमको कोई नहीं देख रहा है. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. क्या बात है, ओहो फेरेरो रोशर्स. तो गाइज अभी मुझे मिल चुका है मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट, तो अभी फिलहाल जो आएगा उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि वो रास्ता भूल चुका है मेरी तरह. तो अभी वो आता है फिर हम आपको और दिखा देंगे कौन है वो इंसान. पता है ये कितने दिनों के बाद आई है मेरे घर और मैं बहुत बिजी रहती है, बहुत ज्यादा ही बिजी रहती है, ठीक है? बहुत ही क्विट है, इसको बहुत सारा प्यार चाहिए आपको, आप सब दीजिए इसको बहुत सारा प्यार और इसको आगे बढ़ाइए.
चलो चलो। कौन है ये? कौन है? कौन है गाइस? गाइस गैस करो कौन है? गैस करो ये कौन है? भैया है। अरे गुम हो गया था ये हमारा प्यारा शायर है। और ये बिना कहाँ गुम हो गए यार तुम? ऑटो वाला स्कैम कर दिया था। क्या स्कैम कर दिया था? उठा के लेके चल जाएगा बच्चा, इसको कोई भी उठा के लेके चल जाएगा। बहुत बच्चा है ये, इसको कोई भी उठा के लेके चले। सच में ये ना ये ब्लॉग के लायक ही है और बहुत ही फनी है। हाय बोलो शायद भाई, शायद हाय बोलो यार। अरे हाय, हाय बोलो। अब हम लोग बैठ चुके हैं गाइस ओला में फाइनली, एंड अभी हम ऑन द वे हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम जाएंगे एंड ये देखो कहाँ जाएंगे तुम लोग बताओ। आवाज स्टार्ट होती है, लोग की आवाज पता नहीं बंद हो जाती है, आवाज ही नहीं करती। साउथ जाएंगे, साउथ सिटी मॉल। हम जाएंगे साउथ सिटी मॉल और हम करेंगे, आज क्या करने वाले हैं? हम लोग करेंगे शॉपिंग, वो भी तुम्हारे लिए नहीं, हम अपने लिए। बर्थडे मेरा है, शॉपिंग इसके लिए होने वाली है। वाओ नाइस। सारा बिल आप पे करूंगा, सब बिल आप पे करोगे। इनके खर्चे पे जा रही हूँ गाइस मैं, ये लोग आज सारे खर्चे उठाने वाले हैं। मेरे बर्थडे का गिफ्ट आज ये लोग देने वाले हैं। सारा जितना भी मैं शॉपिंग करूँ, केक नहीं यार, शॉपिंग बाबू जी केक दे देंगे तुमको बर्थडे में गिफ्ट। किसी को पता भी नहीं होगा, किसी को पता होगा क्या बाबू जी केक क्या होता है? बताना अगर पता होगा आप लोगों को, तो पता होगा ना। हाँ लेकिन व्लॉग स्टार्ट होती है तुम लोग के गले की आवाज ऐसी बंद क्यों जाती है, मुझे बताओ। बताओ तुम, मुँह देख के हमको बंद हो जाता है, क्या करें हम? तुम बताओ, उससे सुन मिली यार ये तो फोन में सब बोलते हैं, ब्लॉग में सब यही कमेंट करते हैं कि ये फोन में घुसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए लिया है ताकि दिन में फोन में घुसा रहे। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं और काफी भूख भी लगी क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। पूजा ने मुझे चॉकलेट दिया है, वो खाते हैं पहले। हम चलो चॉकलेट खाते हैं, फिर हम जैसे पहुँचते हैं हम आपको दिखाते हैं। मौज नहीं तो ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़े नानी, आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझाए जब टूट जाए साए, हाय रब जब हो वही। ये देखो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं साउथ सिटी मॉल और यहाँ पे कितना सुंदर डेकोर किया हुआ है। देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है ना, मस्त है यार, फुल मस्त। ये देखो ये मस्त लगाया हुआ है ना, मस्त लग रहा है। साउथ सिटी मॉल में देखो गाइस दुर्गा पूजा, यहाँ पे दुर्गा माता रखी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है, एकदम खतरनाक सी। और हम फाइनली आ चुके हैं मॉल के अंदर और अब बिजली का पैसा खर्चा होगा और हमारी शॉपिंग होगी। पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगा गाइस। पहले सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाए, लिटरली इतनी जोर की भूख लगी। तो अभी हम पहले कुछ खाएंगे, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे यहाँ पे और वो इंस्टा पे अपलोड करने वाली हूँ मैं अपने न्यू इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद गाइस पहले हम चलते हैं कुछ खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग बैठे हुए गाइस यहाँ पे और फूड कोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है। और हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। हमने ऑर्डर दे दिया है 2 प्लेट छोले भटूरे और 3 लस्सी। तो मैं तो ज़्यादा खाऊंगी नहीं इसलिए मैंने 2 प्लेट ही दी क्योंकि बहुत बड़ा भटूरा होता है और इतना पता नहीं हम खा पाएंगे भी कि नहीं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का, बहुत जोर की भूख लगी। मैं सुबह से सिर्फ चॉकलेट खाती हूँ, कैन यू बिलीव। तो अभी खाएंगे, दिखाओ पहले आसपास कितना भीड़ है, दिखाओ। उधर भी लोग हैं, सच्चा लोग यार, तुमको दिखा दूँ क्या? हो गया सर। हाँ इधर दिखाओ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे हम बैठ गए, हमें बहुत मुश्किल से अपनी सीट मिल गई है। तो अभी हम बैठ गए, वेट करें जैसे हमारा जो ऑर्डर है वो बन जाता है, फिर हम जाके लेंगे। गाइस देखो छोटे भाई बहन होते इस काम के लिए कि उनसे काम करवाया जाइए। देखो दोनों आ चुके हैं। ये इतना बड़ा पूरी कौन खाएगा यार? तुम लोग होंडा हो क्या एकदम? कासमी के दोस्त हैं, होंडा। क्या बोल रहे हो? कासमी के दोस्त हैं, होंडा कासमी। जाओ जाओ लस्सी लेके आओ गाइस, अभी लस्सी लाना बाकी है। तो गाइस हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे, आप देख सकते हो मस्त एकदम अमृतसरी छोले भटूरे। और अभी वो लोग लस्सी लाने गए हैं, हमारा लस्सी भी आ चुका है। इतने से लस्सी से क्या होगा यार मेरा? आपके लिए इतना ही है बस यार। गाइस हमारा इतना यम्मी यम्मी खाना आ चुका है और आज हम एकदम टूट के खाने वाले हैं ना। पहले हम थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं उसके बाद, ठीक है? खाओगे तुम?
नहीं खाएगा अभी तो, बस देखने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है गाइस, देखो आप देख सकते हो पूरा हमने खा लिया, मैंने और पूछू ने, हम दोनों ने मिलके पूरा खा लिया, और शायद भाई अभी भी खा ही रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था तो मैं नहीं खाऊंगा, आप लोगों को तो दिया है मैंने खाने, बस और क्या चाहिए। मतलब गाइस लेके आए हैं बस, बाकी सब मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, मैंने गाइस मैंने, और इन दोनों को, इन दोनों को मैं लेके आई हूँ खिलाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, और अभी मैं लस्सी पी रही हूँ, मस्त देख लो लस्सी भी बहुत मस्त है। तो अभी हम लस्सी पी रहे हैं, अभी हम फिर जाएंगे लस्सी पीने के बाद थोड़ा आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे एंड देन निकलेंगे। फोन में चार्ज बहुत कम है तो देखते हो जितना व्लॉग हो पाए आप लोग के लिए करूँगी एंड आप लोग इन्जॉय करो। तभी हम थोड़ा शॉपिंग करके आ चुके हैं, हमने थोड़ी शॉपिंग की, मतलब एक ड्रेस खरीदा अभी तक। वैसे तो हम पूरा मॉल घूम चुके हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने बस का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट तो हमने सोचा कि अब हम थक चुके हैं तो हम आइसक्रीम खा लेते हैं। तो अभी हम आइसक्रीम पार्लर पर आ चुके हैं, हम तीन आइसक्रीम ले रहे हैं, बटर स्कॉच बट समथिंग कुछ तो है, एंड अभी हम कुछ खाएंगे देन वापस जाएंगे हम शॉपिंग करने और देखेंगे कि कुछ पसंद आ जाए फिर नहीं, लेट्स सी, लेट्स होप कि कुछ पसंद आ जाए वरना मुझे नहीं पहनना पड़ेगा। अभी हम आइसक्रीम खा रहे गाइस, देखो मेरा फेवरेट तो नहीं है बट आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ तो लेट्स सी कि कैसा ये। ठीक है, मतलब उतना वाव नहीं है बट ठीक है, नॉर्मल है। तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा? मजा नहीं आया। पूछो तुम्हें, उसकी तो शक्ल से ही पता लगा सकते हो। तो गाइस उतना अच्छा नहीं आइसक्रीम बट ठीक है, खा लेते हैं, अभी भूख लगी है। सजना जी तेरे बिना जी लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना। इतना शॉपिंग करोगे, दिखाओ तो थोड़ा सा दिखाओ। देखो भाई इतना शॉपिंग करने के बाद भी अभी बोल रही और शॉपिंग करना है मेरे को, कब से घूम रही पक्का? घर कैसे जाएंगे हम? ऑफकोर्स कैब से जाएंगे। अब तो कंगाल हो गए हम, कंगाल हो गए, अब घड़ी वड़ी बेचेंगे, पैसा तो फोन ऊपर जो मांग रहे थे, जैसे दुआ मांग रहा था, दुआ मांगे हम पैसे के लिए? वो कैसे दुआ मांग रहे थे? सच्चा दुआ यार, मांगो तुम, दुआ मांगो, ऊपर से गिरते रहेगा, दुआ मांगो कैसे दुआ मांगो यार, सच्चा दुआ यार, तुम ही तो मत थी वो, ये भी वही करती है यार, खाली जगह देख के दे दो भगवान, एक बार दिला दो, दुर्गा पूजा है सामने। कैब में हम बैठ चुके हैं गाइस, अभी हमारी शॉपिंग भी खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी हम कैब में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो प्लेस आ गया, फाइनली हो गया आज कम से कम 3-4 घंटे हम घूमने के बाद कुछ मिला यूनिटी को, वरना कुछ नहीं मिला था कम से। और शाहिद ने और पूजू ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, लिटरली अगर ये लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या लेने वाली थी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया गाइस, मेरा चॉइस बहुत अच्छा है। फाइनली हम घर आ चुके हैं गाइस, और हमारा आज का दिन जो है वो यहीं पे खत्म होता है। सो आज का काफी ज्यादा हेक्टिक डे था, मैं तो पूरी थक गई हूँ आज, और मेरे पैर इतने ज्यादा दुख रहे हैं ना बिकॉज आज पूरे दिन हम चले हैं। सो अब तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ, और गाइस यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। जो लास्ट आपने क्लिप देखी थी वो हम कैब में थे एंड मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, मेकअप वेकअप सब निकाल चुकी हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। एंड यहाँ पे कल मेरा बर्थडे है तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि उतना कुछ होने वाला नहीं है मुझे पता है। तो या गाइस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो होने वाला है बर्थडे का व्लॉग, तो इस वीडियो को आप लोग 10,000 लाइक कर दो गाइस। और मेरा दो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है, तो आप लोग आई नो विश नहीं कर पाओगे, मैंने न्यू आईडी बनाई है वैसे तो, बट आई नो वो भी बैन हो जाएगा क्योंकि बैनर्स का काम ही है बैन करना, तो वो बैन कर ही देंगे मेरी आईडी मुझे पता है। बट या गाइस अगर आप चाहो तो वहाँ फॉलो कर सकते हो, एंड आई नो कि आप लोग मुझे विश करोगे, सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।